पटना के ज्ञान भवन में लग रखा है सरस मेला, जो कि 2 सितंबर से शुरू होके 11 सितंबर तक रहेगा। आपको बता दें, इस सरस मेला में तो बहुत कुछ खास है, लेकिन इस सरस मेला के अंदर जो सबसे खास है, आज हम आपको वो दिखाने लाए हैं, पद्मश्री राजकुमारी देवी की स्टॉल। आप देख सकते हैं, ये स्टॉल राजकुमारी देवी का है। आपको याद होगा कि बीते दिनों पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको, और अब इन्होंने सरस मेला में अपना दुकान लगाया है। हम इनसे भी बात करेंगे। इनके हाथों के अचार बहुत ज्यादा फेमस है, और अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी रोजगार का अवसर प्राप्त किया है। कैसी हैं सबसे पहले? ठीक है, तबीयत तो हमारी खराब हो गई थी, बच्चे लोग तो निराश हो गए थे, लेकिन इलाज हुआ बिग अपोलो में। हमारा 15 रोज आईसीयू में थे, इलाज हुआ ठीक है, लेकिन तबीयत ठीक होने वाला नहीं है। सदम से चल रहे हैं, जब फिर कब क्या होगा। दुकान लगाया आपने सरस मेला में, कैसा चल रहा है दुकान? दुकान लगाते हैं मेला में, होता काफी मात्रा में बिक्री होता है, और सबसे बड़ा चीज होता है जो लोग बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं, किसान चाची से चलिए, पहले किसान चाची से मिलते हैं, तो बहुत हम भी प्रसन्न होते हैं, कैसे कि पूरे इच्छुक से जागरूक से वो लोग किसान चाची का नाम लेते हैं और आते हैं, और हम भी सोचते हैं कि जो काम किए सो सफल है। आपके हाथों का अचार तो सबसे ज्यादा फेमस है, पूरे दुकान में सिर्फ अचार ही है। सबसे बेहतर अचार कौन सा, सबसे अच्छा बेस्ट अचार? तो सब अच्छा ही है, लेकिन अब जैसे डायबिटिक वाले लोग हैं तो उनको करेला अचार खाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। सब अचार अच्छा ही है, अपना अपना चॉइस, तेल मसाला स्वाद टेस्ट जो होता है ना, सेम टू सबका है, लेकिन यही है जो आम का खाइएगा तो अलग, अमरा का अलग, लीची का अलग, बट सब चीज का अलग अलग स्वाद। अब देखिए, अब आपका एक उम्र आ गई है, कहीं ना कहीं शरीर भी साथ नहीं देती, तो ये सारे अचार आप खुद से बनाती हैं या किसी और? महिला लोग बनाती है, इसमें थोड़ा यही अभी है कि अभी गाइड हमको, तेल मसाला जो होता है ना, नमक और मसाला, ये अभी हम ही डालते हैं। बहू भी पूरा काम करती है, बेटा भी करते हैं, बहुत सी महिला भी काम करती है। थोड़ा हमको पैकिंग के समय देखना पड़ता है कि नमक का क्या परिस्थिति है, नमक ही आपका टेस्ट को अच्छा बना सकता है या बुरा भी बना सकता है। क्या क्या दुकान में अचारों के सिवा रखे हैं आपने? देखिए, अचार तो सब तरह का है, आंवला का मुरब्बा है, बेल का मुरब्बा है, और उड़द का बड़ी है, उड़द का तिलौरी है, तीसी का, डायबिटिक लोग को बहुत लोग को हुआ इसलिए तीसी का तिलौरी रखे हुए हैं, और चावल, चावल का पापड़ रखे हुए हैं। पटना वासी आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और सम्मान के साथ आपके दुकान में खोज कर आ रहे हैं लोग से होता है। खादी मॉल में हमारा स्टॉल भी है, बिस्को मान में भी है, फिर भी आम जनता लोग जो हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जो वहाँ वहाँ इनका अचार बिकता है, तो लोग जागरूक से, मेला लगता है, लोग निश्चित विश्वास रहते हैं कि चाची जरूर आएगी, उन लोग का हौसला बुलंद रहता है कि चाची जरूर आएगी। तो इतनी सारी महिलाओं को रोजगार भी प्रदान कर रही हैं, कैसा कैसा लगता है? देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो कोई चीज किसी को सिखाने में माने संकोच करते हैं, संकोच, लेकिन हमको दिमाग में होता है कि चले गए रहते दुनिया से तो हमारा अधूरा ही रह जाता है। जो लोग चाहते हैं, जिस तरह का बात कहते हैं, जो हमारा सजेशन होता है, जो हमारे दिमाग में रहता है, उनको सही बताते हैं, उचित माने, जो वो भी कहीं इधर उधर न भटके, सही से अपने पैर पर खड़ा हो और अपने काम को आगे बढ़ाए और मेरे अपने नाम का रोशन करे। देखिए, किसान चाची है, किसान चाची के नाम से फेमस है। आपको बता दें, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल रखे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साइकिल पे चलाकर वो अचार बेचती थी घर घर जाके। आपको एक पोस्टर में नरेंद्र मोदी भी दिख रहे होंगे, प्रधानमंत्री, उनसे मिलते हुए अमिताभ बच्चन, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, और तरह तरह के आपको देख सकते हैं, कितने सारे एक्टर भी हैं, साथ में राष्ट्रपति भी हैं, और बिहार का नाम इन्होंने पहले भी बहुत रोशन किया है। लोग इनको चाव से मिलने आते हैं। सरस मेला तो खास है ही, लेकिन उस सरस मेले के अंदर सबसे खास है किसान चाची की दुकान, क्योंकि सारे लोग इनको खोज खोज के आ रहे हैं, क्योंकि हाथ का अचार काफी ज्यादा फेमस है। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज पटना।